सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लोग आज सफाई पाकिजगी का नारा दे रहे हैं, लेकिन इस्लाम ने ये नारा 1450 साल पहले अता फरमाया। अल्लाह तबारक व ताला कुरान मुकद्दस में खुद इरशाद फरमाता है, वल्लाहु युहिब्बुल मुतताहिरीन, के अल्लाह पाक रहने वालों को, सुतरा रहने वालों को अपना महबूब बना लेता है। यही बुल मुतताहिरीन फरमाया, जो लोग पाकिजगी के साथ रहते हैं अल्लाह तबारक व ताला उनको अपना महबूब बना लेता है। और कुरान मुकद्दस ने, अल्लाह तबारक व ताला ने मस्जिद जाने के जो आदाब बयान फरमाए, वो ये बयान फरमाया कि जब तुम मस्जिद जाओ तो उस वक्त तुम जीनत के साथ मस्जिद जाओ। ऐसे नहीं कि नींद से उठे छूटे कैसे भी आप मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाएं, बल्कि कुरान ने ये हमें कानून अता किया है कि मस्जिद जाने के आदाब में से एक अदब ये है कि हम जिस वक्त मस्जिद जाएं तो जीनत के साथ जाएं। और अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें बताया। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और कुरान मुकद्दस में भी इस मज़मून की आयत मौजूद है कि अल्लाह की हलाल करदा जीनत तुम पर किसने हराम की, तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हलाल करदा जीनत को अपने ऊपर हराम क्यों करते हो। आप अंदाज़ा फरमाएं, इस्लाम में पाकिजगी का जो निज़ाम है, साफ सुथराई का जो निज़ाम है, ऐसा निज़ाम आपको किसी मज़हब के अंदर नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊँ कि इस्लाम की जितनी भी बदनी इबादत है उन सब के लिए तहारत शरायत में से है। आप नमाज पढ़ें तो शर्त है, पहली शर्त है बल्कि तहारत। इसी तरीके से आप तवाफ़ करें, उसके लिए तहारत का हुक्म है। कुरान मुकद्दस को आप अगर छूना चाहते हैं तो बग़ैर तहारत के आप गंदे संदे उठकर कुरान मुकद्दस को छू नहीं सकते। कुरान कहता है ला युमस्सहु इल्लल मुताहरून, कि इसको कोई जो है वो गैर मुताहर इंसान, गैर पाकीज़ा इंसान इसको हाथ ना लगाए, इसको मस ना करे। कुरान छूने के लिए भी पाकीज़गी ज़रूरी है, नमाज के लिए भी पाकीज़गी ज़रूरी है, तवाफ़े काबा के लिए भी पाकीज़गी ज़रूरी है, मस्जिद में जाने के लिए पाकीज़गी ज़रूरी है, बल्कि फ़िक़्ह ये जुज़िया है। आप अंदाज़ा करें मुसलमान उस पर तवज्जो नहीं करते। आज मुसलमानों की हैसियत इल्ला माशाल्लाह एक तोते की हो गई है, दूसरों से जो सुनते हैं उसी को बोलने लगते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि 1450 साल ज़खीरा जो हमारे मजहब में मौजूद है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा, ताबईन, फुकहाए उम्मत ने हमें क्या पैगाम अता फरमाया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, क्या इससे बढ़कर भी किसी मजहब में पाकिजगी होगी कि मजहब इस्लाम यूं कैद लगाता है कि जो कपड़े पहन करके तुम दावते वलीमा में जाने के लिए शर्माते हो, जो कपड़े पहन करके तुम शादी में जाने के लिए शर्माते हो, जो कपड़े पहन करके तुम जो है वो पब्लिक के दरमियान जाने में शर्म महसूस करते हो, अगर वो कपड़े पहनकर तुमने नमाज पढ़ी उस गंदे संदे कपड़ों के साथ, तो तुम्हारी नमाज मकरूह तहरीमी वाजिबुल अदा होगी। इस अंदाज के साथ इस्लाम नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देता। आप गौर फरमाएं, इस्लाम ने जो है, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने अपने महबूब के ज़रिए से पूरी दुनिया को ये पैगाम अता फरमाया, वसियाब का फताहिर, अल्लाह फरमाते महबूब अपने कपड़ों को साफ रखिए। आप गौर फरमाएं, ये उस नबी से कहा जा रहा है अपने कपड़ों को साफ रखिए, जिसका मोजज़ा ये था कि पूरी जिंदगी नबी के कपड़े कभी मैले ही नहीं हुए। फतावा आलमगीरी के अंदर ये मसला मौजूद है, अगर कोई बंदा ये कहे कि नबी के कपड़े मैले हो गए थे तो वो काफिर हो जाएगा, इसलिए कि रसूलुल्लाह के कपड़े कभी मैले हुए नहीं। तो जिसके कपड़े कभी मैले नहीं होने हैं, उस रसूल से कहा जा रहा है वसियाब का फताहिर, अपने कपड़ों को पाक रखिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस्लाम में ये पाकिजगी का निजाम है। पाकिजगी किस अंदाज के साथ इस्लाम के अंदर मौजूद है, आप देखें। लोग मोहल्ले के कचरे की बात करते हैं, मोहल्ले के अंदर तो ढेरों कचरा होता है, कचरा नजर आता है, वो ढेर लगा होता है, घरों के अंदर कचरा होता है, लेकिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी सुन्नत करार देते हैं कि जब बिस्तर पे जाओ तो पहले बिस्तर को झाड़ लो। आखिर बिस्तर पे कितना कचरा हो सकता है? आप इस एंगल से इसको, इस सुन्नत को देखें,
बिस्तर पे कितना कचरा हो सकता है। वो मजहब और वो पैगंबर इस्लाम जो बिस्तर के कचरे को गवारा ना करे, वो घर और मोहल्ले के कचरे को कैसे पसंद फरमा सकते हैं। आकाए करीम ने फरमाया अपने बिस्तर को झाड़ लिया करो सोने से पहले। क्यों? इसलिए कि बिस्तर पर जब तुम जाओगे उसके अंदर कोई घान होगी, कोई कचरा होगा, कोई कंकर ही होगा, तो वो नींद में तुम्हें चुभे नहीं। हुजूर अपनी उम्मत से कितना प्यार करते हैं। कुरान कहता है लकद जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अजीजुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम। ये रसूल माओ से ज्यादा तुमसे चाहते हैं, तुमसे प्यार करते हैं। क्यों? अल्लाह ने इस रसूल की शान ये बनाई, फितरत ये बनाई। देखो फितरत इंसान की आदत बदलती, फितरत नहीं बदलती। नबीउल अंबिया को अल्लाह ने मोहब्बत की फितरत पर पैदा किया। तेरी आदत है सबका जी रखना। अल्लाह ने उनको कैसी मोहब्बत वाला बनाया कि फरमाते हैं कुरान कि तुम्हारा मुशक्कत में पढ़ना उन पर बहुत गिरा गुजरता है। यानी अगर तुम्हें कांटा चुभे तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस पर भी तकलीफ़ होती है। दुनिया के और मजाहिब मुसीबत में पढ़ने के बाद मुसीबत दूर करने का रास्ता बता सकते हैं, लेकिन मज़हब इस्लाम की खसूसियत यह है कि इस्लाम ये बात कहता है कि ऐसा कोई काम ही ना करो कि जिसकी वजह से तुम मुसीबत में पड़ो। जैसे मिसाल के तौर पर हमने बहुत मरतबा इस हदीस को सुना होगा, लेकिन सफाई के एतबार से हमने इस हदीस को नहीं सुना। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिस घर में रात भर कचरा पड़ा रहे, यानी जिस घर के अंदर रात में कचरा पड़ा रहे, अल्लाह उन घर वालों के रिस्क से बरकत उठा लेता है। इसका मतलब इमामुल अंबिया हमें पैगाम क्या देना चाहते हैं, सैयदुल अंबिया का पैगाम क्या है? मतलब यह है कि तुम्हारा घर, तुम्हारे घर में रात के बाद सुबह इस हालत में कभी नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे घर के अंदर कचरा पड़ा हुआ हो। लेकिन हुजूर की बात करने का अंदाज है, क्योंकि हर आदमी अपने अंदाज से बोलता है और ये इमामुल अंबिया का लबो लह जाए। टीचर बोलेगा तो अपने अंदाज से, डॉक्टर बोलेगा तो अपने अंदाज से, मौलवी बोलेगा तो अपने अंदाज से, खतीब बोलेगा तो अपने अंदाज से, अदीब बोलेगा तो अपने अंदाज से, शायर बोलेगा तो अपने अंदाज से, सबकी बातें जुदा जुदा है। लेकिन जब नबियों का इमाम बोलेगा तो नबियों का इमाम अपने अंदाज से बोलता है, और उनके अंदाज की शान यह है कि बड़े बड़े अदीब खतीब शायरों की हालत उनके सामने यह है, फसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लछे, कोई जाने मुंह में जबा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। जब वो बोलते हैं तो फिर अल्लाह अकबर सब खामोश हो जाते हैं, बल्कि उनका बोलना खुदा को इतना पसंद है कि कुदरत अपनी बात भी उन्हीं की जबान से सुनना चाहती है। कुल कह के अपनी बात भी लब से तेरे सुनी, अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद। तो जहां तक कचरे की बात है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस हालत में कचरे पे तुम्हारे घर में रात ना गुजरे कि तुम्हारे घर में कचरा पड़ा हो। जिस घर में रात में कचरा पड़ा हो उस घर से अल्लाह रहमतों को उठा लेता है।